अच्छा जी, तो आप सबसे मैं पूछती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि वैसे तो मैंने जो पेंट करना है ना, वो मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो मैं एक पेंट कर रही हूँ ना, वो एक डार्क कलर है, बहुत डार्क कलर है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सा वाला पेंट करने वाली हूँ, कौन सा कलर कर रही हूँ। जो भी सही कलर बताएगा तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना उसका नाम लूँगी और बताऊँगी कि किसने सही जवाब दिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग गाइस मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग से, और अभी जो है ना डे टाइम है, हमारे पास लंच का टाइम है, और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना दाल माश बनाऊँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की जो फ्राई दाल होती है। तो बस तकरीबन दाल हमारी रेडी है, बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, और साथ ही जो है ना 5-10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी, और लास्ट में जो है फिर इसको मैं गार्निश करूंगी। अच्छा जी, तो और साथ ही साथ मैंने जो है ना आज मीठी लस्सी भी बनाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मीठी लस्सी नहीं बनी थी, और अक्सर जो है ना हम लोग कभी कभार जो है ना दिल करता है इस तरह की चीज़ें जो है ना खाने के साथ दोपहर के टाइम जो है मीठी लस्सी, तो बच्चों की भी बहुत पसंद आई। बच्चों ने तो खैर आई थिंक फर्स्ट टाइम ही पी है, और मैं और शकील तो पीते रहते हैं। खैर अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की थी। तो ये जी डिफ्यूज़र था, मिनी डिफ्यूज़र, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और देखते ही पहली नज़र में जो है ना मेरी जब नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ और आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मुझे ये मिला, और साइज़ भी ठीक ही था, बस इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि ये टच सिस्टम के जो आजकल आए हुए हैं ना डिफ्यूज़र, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, स्पेशली जिनके साथ ब्लूटूथ होता है। हमारा नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, जो फिल्टर था ना उसको यहाँ पे अटैच करना होता है, और इसके अंदर जो भी फ्रेग्रेंस आपने यूज़ करनी है वो डालने के बाद आप इसको इस तरह से बंद कर दें, और इसको आपने प्लग इन करना है, और ये देखिए इस तरह से इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 या 8 कलर हैं जो ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होते हैं, देखो। और इसके अलावा भी अगर आप अपने इस तरह से अपने फिंगर्स इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएंगे खुद ही ऑटोमेटिकली। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ये देखिए ये क्लोज हो गया है, ये फिर से ऑटोमेटिकली जो है चल रहा है ये तो भी, और इस तरह से इसके कलर चेंज होते रहते हैं। बच्चों के रूम के लिए भी ये बेस्ट है। फिलहाल तो मैंने एक ही लिया है क्योंकि मैं ये ट्राई करना चाहती थी कि वाकई में ये जिस पे लिखा हुआ है ये काम भी करता है या नहीं, तो ये मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इंशाल्लाह बच्चों के रूम के लिए भी जाना ही ज़रूर लेकर आऊँगी। अच्छा जी, तो अपने लिए ना मैंने ये दो जो है एक लॉन्ग शर्ट ली थी और एक जो है थोड़ी सी शॉर्ट है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें काफ़ी सारे प्रिंट थे बट मुझे ये जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग स्लीव्स हैं, और ऊपर से जो है ना ये इस तरह से इसका कॉलर बना हुआ है, और काफ़ी लॉन्ग जो है ना साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट है जी, इसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए है, और वो इस तरह से पोल्का डॉट वाली शर्ट है ये, और इसकी स्लीव्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 3/4 आई थिंक। इसके जो नेक पे डिज़ाइन है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये देखें इस तरह से जो है ना कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे बट मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा।
अभी तक की मैंने पहनी नहीं है, बस जब से लाई हूँ ऐसी ही पड़ी हुई है। इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में जो है ना पहनूंगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहन के कैसे लगती है। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, और फर्स्ट टाइम जब मैंने ना शीन पे देखी थी, और वहाँ पर ना ये इसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थे। आई थिंक 265 पेसोस की एक शर्ट मिल रही थी, और आप यकीन करें यहाँ पर ना मुझे हाफ प्राइस में मिली। और फिर मैंने दो ली, एक फातिमा के लिए ली टी पिंक कलर की, और खदीजा के लिए ये जो है ना मैंने स्काई ब्लू कलर ली है। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि ये देखने में जितनी खूबसूरत है ना, बच्चियों ने जब पहन के चेक किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो सीक्वेंस लगे हुए हैं ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। तो अभी ना चाहते हुए बिना ये मुझे वापस करना पड़ेगा। इसकी नेक लाइन, पूरा डिज़ाइन इतना मुझे अच्छा लगा, और मैं शुक्र कर रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया, वरना और ज़्यादा मसला हो जाता। एक तो इतनी एक्सपेंसिव, और सेकंड ये कि अभी मुझे ये भी वापस करनी है, तो वो भी मुझे फिर जो है ना रिटर्न करना पड़ता। और ऐसे भी अभी मेरे पास शुक्र है कि मैंने जो है ना वो रसीद जो शॉपिंग की थी वो नहीं फेंकी, वरना अगर वो ना हो ना, तो फिर आपके कपड़े जो है ना चेंज नहीं हो सकते हैं। खैर, अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, वहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना लॉन्ड्री की बास्केट वगैरह थी, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे उसमें। और क्योंकि मुझे अजान के रूम के लिए चाहिए थी, तो मुझे इस डिज़ाइन में जो है ना दो अच्छी लगी थी, एक तो वाइट और एक ब्लैक, तो दोनों मैंने रखी। उसके बाद जो है ना फिर लेते वक्त मैंने डिसाइड किया कि ब्लैक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है, और अजान के रूम के जो थीम है ना उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी लगेगी। और वाकई अजान को भी बहुत अच्छी लगी थी जब उसने देखी। तो अभी मैंने इसको ओपन किया, मैंने कहा जल्दी से जो है ना एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, और इसको भी मैं जो है ना अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह जो है ना आगे पीछे के ब्लॉग्स हैं, जो कुछ सैटरडे के हैं, कुछ फ्राइडे के हैं, तो सबको मिलाकर जो है ना मैंने आज का ब्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर ये लिया हूँ। असल में जो है ना पूल नूडल्स होते हैं, तो वैसे तो ये बच्चे जो है स्विमिंग करते वक्त जो है पूल में यूज़ करते हैं, बट मैंने जो है ना इनका एक DIY करना है, सो इसलिए मैंने जो है ना ये लिए हैं, 12 पीस लिए हैं मैंने। अभी फ़िलहाल आपको इतने दिखा रही हूँ क्योंकि सारे जो है ना आगे पीछे बच्चे बस इनको कभी लेकर इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इनके साथ पकड़ के फाइटिंग कर रहे हैं। तो जब तक मेरा ये DIY नहीं होता, पता नहीं तब तक ये सही सलामत बचेंगे भी या नहीं। तो ये जो है ना ये मैंने 12 पीस इसके लिए थे। इसके अलावा जो है, और इसके अलावा जो है मैंने इस तरह की जो है ना 3 बॉटल्स ली हैं, एक शैम्पू कंडीशनर के लिए, और एक जो है ना मैं किचन में यूज़ करूँगी, उसके अंदर जो है ना डिश वॉशर सोप यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा एक ये जो है ना काफ़ी अच्छी डील थी, पॉन्ड्स मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, तो पॉन्ड्स जो है ना 140 की मुझे मिलती है, 140 पेसोस की एक। और ये जो है इसके साथ है मेकअप रिमूवर क्लीनर, तो ये दोनों जो है ना मुझे मिले हैं 130 के आई थिंक। हाँ, क्योंकि इसको अलग से आप लो ना तो ये 98 या 100 पेसों का है। तो खैर मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अमेरिके का जो है ना यूज़ करती हूँ, लेकिन ये अच्छा, ये डील अच्छी थी, सो मैंने जो है ना मैंने कहा अगर 140 की मैं ये एक लेती हूँ तो इसमें मुझे ये पूरा जो है ना पैकेट मिल रहा था। इसके अलावा जो है ना मैंने इस तरह के ये लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल कर, कि ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो है ना ये बहुत बेस्ट है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस आ जाती है, देखें इसमें काफ़ी सारे कलर थे। तो मुझे जो है ना लाइट ग्रे चाहिए था, लाइट ग्रे नहीं था, तो मैंने कहा अब कलर के चक्कर में जब पड़ूंगी तो फिर ये इसी भी जाऊंगी। तो मैंने जो है ना ये 4 पीस लिए हैं, और अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर, तो स्टोरेज के लिए जो है ना ये परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने 3 बेडशीट भी ली थी, दो अपने रूम के लिए और एक जो है ना वो मैंने अजान के रूम के लिए ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो है सिंपल प्लेन है, और ये सभी जो है ना यहाँ पर जितने भी बेडशीट्स वगैरह होती है ना वो 4 पीसेस होते हैं। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ ये वाला, बस
बहुत ज़्यादा खास कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं था, ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह सिंपल प्लेन थी। तो ये जो है ना ये इस तरह से है, और यहाँ जो है ना फोर एक होती है जिसमें बेडशीट होती है, दो पिलो कवर्स होते हैं, और इसके अलावा जो है ना एक मैट्रेस का कवर भी मिलता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जी फोर पीसेस की जो है ना बेडशीट है। और वाइट वाली क्या खोल के दिखाऊँ, बस इसमें भी जो है ना सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल प्लेन है ये वाइट। तो वैसे तो बच्चों वाले घर में लाइट कलर नहीं यूज़ होने चाहिए, बट ये है कि मैं अपने रूम के लिए लाई हूँ। तो मेरा रूम जो है ना वो सारा दिन तकरीबन डोर इसका मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना उनके रूम इसीलिए सेटअप करके दिया है कि उनने जो भी करना है वो अपने रूम में करें। और ये वाली जो है ना, एक सेकेंड मैं निकाल के दिखाती हूँ, तो मुझसे एक हाथ से हो भी नहीं रहा है, मैं इसको निकाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो देखें ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी जो है ना ये मैट्रेस का कवर है, तो इसके ऊपर जो है इस तरह से इलास्टिक लगी हुई है, और ये भी फोर पीस है, पिलो कवर है इसमें दो, और साथ में जो है बेडशीट है। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है दो तीन मेकओवर शेयर करूँगी, एक तो अपने रूम का और उसके बाद जो है ना अजान के रूम का। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फ्यूचर में बड़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने ये ब्रेड बनाई थी, और मुझे जो है ना एक मुझसे मिस्टेक हो गई कि मुझे नहीं पता था कि ये सच बता रही हूँ, मुझे रियली नहीं पता था कि ये इतने मज़े की बनेगी, वरना मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाती। बस थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया था, क्योंकि मैं ना हमेशा जब भी बेकिंग करती हूँ ना तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लाजमी देती हूँ, ताकि कोई कुछ भी मैं बेक कर रही हूँ ना तो वो कच्चा ना रह जाए। खैर बहुत मज़े का बना था, और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड थी और बड़े मज़े की बनी थी। यकीन करें मुझे खुद भी जो है ना जब मैं ये वीडियो क्लिप देखा ना तो मैंने बड़ा मैं अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि वाकई में बड़े मज़े की चीज़ बन गई है यार, मुझे इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यही था कि पता नहीं सही बनेगी भी या नहीं। ट्राई करो, सॉफ्ट है, सही अंदर तक सॉफ्ट है, अच्छा लगे, हम आप ट्राई करो, कैसे स्वीट है ना, सही बना है, अच्छा बना है जी। आपको भी चाहिए आ जाओ। अच्छा जी, तो अब जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये नेक्स्ट डे के हैं, और ये संडे का दिन था, और आज जो है ना मैंने बच्चों को भी अपने साथ लगाया, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था, और बच्चों को बिज़ी करना जो है ना संडे के दिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी फ़ाइटिंग शुरू हो जाती है जब उनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए। तो मैंने इन तीनों को भी अपने साथ लगाया, और मैंने कहा चलो, क्योंकि बच्चों को ना आपको पता ही है बड़ों के काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है, और ख़ास तौर पर इस तरह के मुश्किल काम। तो खैर बच्चों को मैंने लगाया, और आप यकीन करें जो काम था ना 2-3 दिन का वो हम लोगों ने एक दिन में कर दिया। तो अभी मैं जो है ना अपने जितने भी मेरे पास जो मेरे रूम में जो फर्नीचर था ना, एक तो ड्रेसिंग टेबल थी और दो साइड टेबल थी, तो इनको हमने अच्छी तरह से जो है ना इसके स्टिकर्स वगैरह हमने उतार दिए, सॉरी स्टिकर कह रही हूँ, जो मैंने लास्ट 2 ईयर पहले, हाँ आई थिंक 2020 में मैंने आप लोगों के साथ अपना रूम का मेकओवर शेयर किया था, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है ना मार्बल की जो थी ना वो शीट, स्टिकी शीट जो होती है वो अप्लाई की हुई थी इस पर, तो वो मैंने सारी जो है ना रिमूव की बच्चों के साथ मिलके, इनको भी मैंने लगाया। आपको पता है बच्चों को इस तरह के काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर हम लोगों ने वो सारा काम जो है ना कर लिया था सैटरडे नाइट को, ताकि सुबह हम लोग जब उठें तो ये वाला काम जो है ना हमारा टाइम भी बच जाए और जल्दी से हो जाए। तो अभी जो है ना मैंने सैंड पेपर लिया और इसको मैं अच्छी तरह से सैंड कर रही हूँ, बच्चों ने भी मेरी इसमें हेल्प की, और जल्दी जल्दी ये हमारा काम हो गया।
अच्छा जी, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है ना 30 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको सेंडिंग करते हुए, और माशाल्लाह से जितना भी पेंट था ना वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है। और अभी जो है ना स्टेप नंबर 2 है कि जब हम किसी भी फर्नीचर से जो है ना हम जब पेंट रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो है ना हमें उस फर्नीचर को स्मूथ करने के लिए जो है ना एक और नंबर की शीट यूज़ करनी होती है जो कि है 320 नंबर। तो इसके साथ ये होगा कि इसके ऊपर जितनी भी वो जो वुड होती है उसके ऊपर जो स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं क्लीन करते हुए, वो अब जितने भी स्क्रैच है ना वो इसकी मदद से जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, और ये जो वुड है ना ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट और नरम मुलायम सी हो जाएगी, जब मैं इस पर पेंट करूँगी ना तो वो लाइनें वगैरह नज़र नहीं आएंगी। इसका मेन मकसद जो होता है ना वो ये होता है। तो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है ना आप लोगों को इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और अगर आपको भी मेरी तरह अपने घर की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको एक थोड़ा सा टचअप देने से, थोड़ी बहुत मेहनत करने से, ट्रस्ट मी अपने हाथ से जो काम आप करते हैं ना उसका जो रिज़ल्ट आपके सामने आता है ना वो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बेशक आप किसी और से भी करवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इस तरह के कामों में, लेकिन मेरी वीडियो ये जो है ना स्पेशली इस तरह के जो व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो अपने होम प्रोजेक्ट्स होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसका मेन मकसद ही ये होता है कि मेरी वो सिस्टर्स जिनको बहुत दिल चाहता है कि अपने घर को वो अपने तौर से अपने स्टाइल से सजाएं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें किस तरह से करें, तो इस तरह की वीडियोस जो है ना मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ किस तरह से जो है ना, जैसे कि अब मैंने आप लोगों के साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो DIYs शेयर किए हैं, और किस तरह से पुराने फर्नीचर को आप अपने न्यू लुक दे सकते हैं बिल्कुल घर बैठे, और आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं और वो भी मैं आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बताती हूँ। खैर, जैसे आप अगर पाकिस्तान में हैं और मैं यहाँ पर हूँ, प्राइस डिफरेंस तो होता है लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है ना कि मतलब अगर आप इस तरह का कोई भी काम करने वाली हैं ख़ुद से तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना वो चीज़ें हर जगह हर कंट्री में आराम से अवेलेबल होती हैं, बस सिर्फ कोशिश करनी होती है आपको वो सारी चीज़ें ढूंढने की। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि आपको इनसे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो है ना अब शेयर करने वाली हूँ स्टेप नंबर 3, और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे राइट साइड पे जो है वो थिनर पड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो है ना प्राइमर है। तो प्राइमर जो है ना बेसिकली पेंट के जो है ना एक बेस बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप पुराने फर्नीचर को पेंट करने वाले होते हैं ना, तो अगर आप उस पर पहले ही जो है ना एक या दो कोट जो है या ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना 2 कोट बहुत होते हैं किसी भी फर्नीचर को अच्छी प्रॉपर लुक देने के लिए। तो मैं अभी इस पर जो है प्राइमर के 2 कोट करूँगी, और मेरा जो प्राइमर है ना वो काफ़ी थिक है। वैसे तो प्राइमर बहुत सारे होते हैं, कुछ बहुत लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मैं लेकर आई हूँ ना वो काफ़ी थिक है, तो मुझे उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा थिनर ऐड करना है ताकि वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए और उसको मैं ईज़ीली जो है ना ब्रश के साथ अप्लाई कर सकूँ। तो ये जी मेरे पास जो है ना एक नया ब्रश मैं लेकर आई हूँ, और मैं ज़्यादातर जो है ना इसी तरह के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट ट्रस्ट मी इनका रिज़ल्ट जो है ना वो इतना ज़बरदस्त होता है ना, मतलब ये वो वाले ब्रश नहीं है कि अगर आपने पेंट किया तो इसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और जो ब्रश में जो भी जो लगे हुए हैं ना क्या कहते हैं उसको प्लास्टिक है या फिर कैमल हेयर हैं तो वो निकल आते हैं, तो ये वो वाले ब्रश बिल्कुल भी नहीं है, ये साला साल चलते हैं अगर आप इनको यूज़ करने के बाद जो है ना इनको आप थिनर के साथ साफ़ सुथरा करके ड्राई करके आप इनको फिर से पैक कर दें तो ये बड़े अच्छे से जो है ना काफ़ी देर तक आपके चलते रहते हैं। खैर, अभी मैंने जो है ना आप लोगों के सामने देखा आप लोगों ने कि मैं जो है ना प्राइमर पहले मैंने निकाला है क्योंकि मेरा जो प्राइमर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ा सा मैंने थिनर ऐड किया है ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, लिक्विड फॉर्म में हो जाए, तो फिर इसको मैं जो है ना अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ। आप चाहें तो रोलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे ब्रश के साथ जो है ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैं जो है ना फर्स्ट कोट करने वाली हूँ,
और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तकरीबन एक आध घंटा मैं दूंगी इसको, और एक घंटे के बाद जो है ना फिर मैं दोबारा से एक और कोट की जो है ना इस पर लेयर अप्लाई करूँगी। हाँ जी, तो देखा गाइज आपने प्राइमर का कमाल, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बिल्कुल वाइट पेंट कर दिया ना। और ट्रस्ट मी, मुझे ये इतना 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 अच्छा लग रहा है कि अब तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं जो पेंट लेकर आई हूँ वो इसको करूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना करना है क्योंकि मुझे अपने रूम की थीम के हिसाब से जो है ना इसको बहुत मज़ेदार सा लुक देनी है। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा आज का DIY, आज का पूरा ब्लॉग, मेरी शॉपिंग और जो भी मैंने आप लोगों के साथ आज के इस ब्लॉग में शेयर किया, आपको कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। आपको प्लीज़ कुछ भी अगर इस ब्लॉग में अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या पसंद है और आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अभी जी हमारा काम हो चुका है डन, और इसके बाद जो है ना मैं बच्चों को लेकर गई पार्क में, क्योंकि बच्चों ने एक तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग मुझे वीकेंड पर तंग नहीं करोगे ना और मेरी हेल्प भी करोगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेके जाऊंगी पार्क में। तो ये पार्क जो है हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही हम लोग पार्क में पहुँचे ना साथ ही बारिश शुरू हो गई और फिर मैं इनके मिन्नतें करती रह गई कि चलो 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 हम लोग भीग जाएंगे घर चलते हैं, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम के बाद जाना पार्क में आए थे। और वैसे भी ना पार्क में अगर आप बच्चों को डेली भी लेके जाओ ना, लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं उनको घसीट के लेके जाना पड़ता है, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता घर जाने को, तो इन्होंने भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। अच्छा जी, तो आज का ब्लॉग गाइस बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं समझ आती आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और देखिए मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट कितने इयर्स से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी तक मेरे 1000 भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, और ये सब जो है ना सिर्फ आप लोगों की सुस्ती की वजह से है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करने में, चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस मैं बनाती हूँ और उसके बावजूद जो है ना व्यूज़ आते हैं और ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को किस किस्म के व्लॉग पसंद हैं, बट ट्रस्ट मी मैं इससे ज़्यादा जो है ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं इससे ज़्यादा और क्या चीज़ आपको दिखाऊँ। जिस तरह का यूट्यूब का जो मयार हो चुका है ना, आई थिंक मैं उस हद तक तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक फैमिली व्लॉग चैनल है और इस पर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, वो सास बहू वाला मिक्सचर मसाला और आपको जो है ना फैमिली पॉलिटिक्स मेरे चैनल पे नज़र नहीं आएगी। आप अगर अभी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या आप मुझे 4-5 साल बाद फॉलो करेंगे तब भी आपको मेरे चैनल पर जो है ना इसी तरह का कॉन्टेंट नज़र आएगा। तो क्योंकि मुझे जो है ना सस्ती फेम नहीं चाहिए,
मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना टाइम हो चुका है और मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मुझे सच में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये काम जो है ना अपने शौक से करती हूँ और अच्छा इंजॉय करके करती हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है अपनी जो है ना रोज़मर्रा की रूटीन, और एक तरह से ये मेरे बच्चों की मेमोरीज़ हैं जो बन रही हैं और जो हमेशा जो है ना मेरे पास रहेंगी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप इस एफर्ट को जो है ना पसंद तो करते हैं बहुत सारे लोग भी, लेकिन फिर भी जिस तरह से होना चाहिए ना इसका रिज़ल्ट वैसे नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और इसी तरह आपको जो है ना फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।